नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ट्रेनों के बारे में, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे कि कैंसिल कर दिया गया है। हम जानेंगे उसके कारणों को, साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द किया गया है। अगर आप बिहार में इन दिनों ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो आपको ट्रेनों की यात्रा से पहले एक बार उसे सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। खासकर पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे की तरफ से यात्रियों को एक सलाह दी गई है कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो, या फिर ट्रेन की यात्रा के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं तो ट्रेन को ज़रूर सर्च कर लें। यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इससे पहले आप जो है ट्रेनों को ज़रूर देख लें, क्योंकि कई ट्रेनों को जो है इस दौरान रद्द की गई है। रेलवे की तरफ से दी गई नई जानकारी के अनुसार गोंडा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसके कारण 8 जून 2022 तक कई ट्रेनों को अलग अलग दिनों के लिए जो है रद्द कर दिया गया है। बता दें कि बिहार में मंगलवार को 12 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। बता दें कि रद्द ट्रेनों में जो संख्या है वो है ट्रेन संख्या 15203 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस, इसके बाद ट्रेन संख्या 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, इसके बाद जो है ट्रेन है 11123 ग्वालियर बरौनी मेल, उसके बाद जो गाड़ी संख्या है वो है 11124 बरौनी ग्वालियर मेल, उसके बाद गाड़ी संख्या है 14674 अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 14650 अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15708 अमृतसर कटिहार, ट्रेन संख्या 15273 रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15274 आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस, उसके बाद जो ट्रेन संख्या है वह है 15212 अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15280 आनंद विहार सहरसा पुरबिया एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 14009 बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 13020 काठगोदाम हावड़ा बाघ एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15098 जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस। इसके अलावा रेलवे ने कुछ और ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है। आसनसोल से गोंडा तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जैसे कि मऊ तक के लिए ही जाएगी, वहीं लालगढ़ से डिब्रूगढ़ तक की जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस को भी सीमित समय के लिए रोका गया है। तो एक तरह से कहें कि पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर बिहार की जो ट्रेनें हैं उसको जो है खास करके रोका गया है। इंटरलॉकिंग के काम के कारण जो है इन ट्रेनों को बाधित किया गया है, यानी कि इन ट्रेनों को रोका गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।